हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे रहिए और स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया, अर्थात भारत में विपणन व्यवहार। इसमें पढ़ेंगे भारत में उपज विपणी, अर्थात टॉपिक का नाम है उपज विपणी। ठीक है, समझिए कि उपज विपणी होता क्या है। उपज विपणी जो होता है, एक ऐसा संगठित बाजार होता है, एक ऐसा संगठित बाजार होता है जहां कृषि उपज, औद्योगिक पदार्थ या औद्योगिक कच्चा माल या खनिज पदार्थों का क्रय विक्रय किया जाता है। मतलब उपज विपणी एक ऐसा संगठित बाजार होता है जहां पर कृषि पदार्थों का या कृषि उपजों का या खनिज पदार्थों का या औद्योगिक कच्चे माल का क्रय विक्रय किया जाता है। इस तरह का क्रय विक्रय निश्चित नियमों व उपनियमों के आधार पर किया जाता है। इनमें केवल उन्हीं वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है जिनका सही ढंग से श्रेणियन और प्रमापीकरण किया गया। मतलब जो उपज हमारे होते हैं, जैसे धान, गेहूं, अनाज वगैरह जो भी है, उसका सही ढंग से कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया रहता है। उन्हीं वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। उपज विपणी में वही व्यक्ति व्यापार कर सकते हैं जो उपज विपणी के मेंबर होते हैं, अर्थात सदस्य होते हैं। और यह किस ढंग से व्यापार करते हैं? यह उपज विपणी एक जो संस्था होती है, पर डे बाजार भावों की लिस्ट साप्ताहिक, दैनिक, मासिक, जैसा भी हो, समाचार पत्रों में प्रकाशित करती है और उसी रेट के आधार पर वस्तुओं का पर डे का क्रय विक्रय किया जाता है। देखते होंगे कि मार्केट में बहुत सारे सामान होते हैं जो व्यापारी भेजते हैं, पर डे समाचार पत्र मंगाते हैं और उसमें न्यूज़पेपर में देखते हैं कि आज का बाजार भाव, आज का मंडी का भाव क्या था। उस मंडी, चाहे वो जितने में खरीदे हो, मंडी का भाव जिस हिसाब से रहेगा, मार्केट में सामान उसी रेट से बेचेंगे। ये सब उपज विपणी का ही कार्य है। तो आइए एक लाइन में इसका पहले अर्थ बता दें कि उपज विपणी का अर्थ होता क्या है। उपज विपणी होता है यह एक संगठित बाजार है। ठीक है, इसका अर्थ बता रहे हैं। यह एक संगठित बाजार है। इसमें क्या होता है? कृषि उपज, ठीक ना, औद्योगिक कच्चा माल या खनिज पदार्थों का क्रय विक्रय होता। यह एक संगठित बाजार है। इसमें कृषि उपजों, औद्योगिक कच्चा माल, खनिज पदार्थों का क्रय विक्रय किया जाता है। अर्थ में ही ऐसे स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखना, मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, आप पूरा डिफाइन करना। और इसमें क्या होता है? यह नियमों वह उपनियमों के आधार पर चलता है। मतलब इसके कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। और क्या होता है इसमें? सबसे बड़ी चीज है सदस्य ही व्यापार कर सकते हैं। मतलब इसमें सभी लोग अपना कारोबार नहीं कर सकते हैं। और क्या होता है इसमें? उन्हीं वस्तुओं का क्या होता है? क्रय विक्रय होता है जिनका श्रेणियन वह प्रमापीकरण किया जाता है। ठीक है, और क्या इसमें होता है? इसमें जो भी इसकी मूल्य से संबंधित इसके इसके मूल्य से संबंधित संबंधित सूचनाएं सूचनाएं समाचार पत्र में प्रकाशित होती हैं,
प्रकाशित होती है। ये समझिएगा, ये परिभाषा लिखी है, ये अर्थ लिखा गया, इसी को स्टेप बाय स्टेप में मैंने लिखा है छोटा छोटा करके, आप इसको पूरा विस्तार से लिख दीजिएगा तो यही उपज विपणी का डेफिनेशन होगा। प्रश्न भी उठता है कि इस उपज विपणी के कार्य कौन कौन से है, यह उपज विपणी कौन कौन सा कार्य करता है, ध्यान दीजिएगा। उपज विपणी के कार्य, उपज विपणी कौन कौन से कार्य करते हैं। उपज विपणी का पहला कार्य है वित्तीय कार्य, कौन कौन सा कार्य है, वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य का मतलब होता है कि यह उपज विपणी अपने सदस्यों को, अपने व्यापारियों को जो इन वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है, अर्थात जब भी उनको पैसे की जरूरत होती है तो वह सस्ते दरों पर पैसे की व्यवस्था करता है, धन की व्यवस्था करता है, ठीक है, अर्थात वित्तीय सहायता प्रदान करता है। दूसरा क्या कार्य करता है, यह बीमा का कार्य करता है, बीमा का कार्य करता है। क्यों, क्योंकि जब देखते हैं बड़े पैमाने पर माल का आवागमन होता है, क्रय विक्रय होता है, माल एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है तो माल की सुरक्षा भी तो होनी चाहिए। मान लीजिए रास्ते में माल चोरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, टूट फूट जाए, नष्ट हो जाए, तो ऐसी दशा में व्यापारी को लॉस होगा, तो इस लॉस से बचने के लिए वो उस माल का क्या कराता है, इंश्योरेंस कराता है, ताकि भविष्य में यदि ऐसी घटनाएं घटती हैं तो वहां पे इंश्योरेंस कंपनी इसका हर्जाना वहन करे। अगला क्या है, यह विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रदान करता है, यह विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रदान करता है, सूचनाएं प्रदान करता है, मतलब यह उपज विपणी से संबंधित, व्यापार से संबंधित, इन वस्तुओं से रिलेटेड जितनी भी सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, वो प्रदान करने का कार्य करता है। और क्या करता है, यह जितने भी झगड़े होते हैं, जैसे देखे होंगे व्यापार में या व्यापारी जब गतिविधियां होती हैं तब बहुत सारे झगड़े उत्पन्न होते हैं, समस्याएं उत्पन्न होती है, तो इन समस्याओं को निपटाने का भी कार्य कौन करता है, उपज विपणी करता है, अर्थात यह व्यापारिक झगड़ों को निपटाने का कार्य करता है, निपटाने का कार्य करता है, ठीक है। और कौन कौन सा कार्य करता है, यह वस्तुओं का श्रेणियन करता है, श्रेणियन का मतलब है कि वस्तुओं को कैटेगरी में बांटता है, कि ए कैटेगरी के वस्तु, बी कैटेगरी के वस्तु, सी कैटेगरी के वस्तु, जो भी कैटेगरी बने, यह वस्तुओं का क्या करता है, श्रेणियन करता है, यह वस्तुओं का श्रेणियन का कार्य करता है। और क्या करता है, यह मूल्यों में अस्थायित्व लाता है, मतलब मूल्यों को स्थिर रखने का कार्य करता है। यदि मूल्यों को स्थिर नहीं रखा जाएगा, रोज बाजार भाव इतना बढ़ेगा या गिरेगा उसका कोई अंदाजा नहीं, लोग मनचाहे रेट पर बेचना शुरू कर देंगे, इसलिए ये जरूरी है कि जो भी मार्केट में हमारी वस्तुएं हैं या उपज विपणी से रिलेटेड जो वस्तुएं हैं उनके मूल्यों में स्थिरता लाई जाए, अर्थात वो ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो, वो भी तो बहुत मामूली हो, तो ये क्या करता है, मूल्यों में स्थिरता लाने का कार्य करता है। और क्या करता है, ये उपज विपणी और यह नियम बनाने का कार्य करता है, उपज विपणी और क्या करता है, नियम बनाने का कार्य करता है। क्योंकि रूल रेगुलेशन यदि व्यवसाय में नहीं बने रहेंगे, उपज विपणी में नहीं बने रहेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए रूल रेगुलेशन का होना जरूरी है, क्योंकि हर जगह पूरे देश का, पूरे विश्व स्तर पर
हर एक सेक्टर में कुछ रूल रेगुलेशन बने हुए हैं ताकि लोग नियमों का उल्लंघन न करें। इसीलिए उपज विपणी भी एक रूल बनाया हुआ है कि इसके अंदर जो भी व्यापारी बंधु हैं वो अपना क्या करेंगे, इसी रूल को फॉलो करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग वो चलेंगे। अगला क्या करता है, यह वस्तुओं का सही मूल्यांकन करता है, यह वस्तुओं का सही मूल्यांकन करता है, सही मूल्यांकन करता, यही आपके मुख्य कार्य दिए गए। अब प्रश्न इसमें उठता है कि उपज विपणी के कुछ महत्व भी हैं, कुछ इससे फायदे भी हैं, वो कौन कौन से फायदे हैं इसको जानते हैं। अगला हमारा टॉपिक है, ये सब टॉपिक है, ठीक है, उपज विपणी के महत्व, उपज विपणी के महत्व, कि उपज विपणी के कौन कौन से महत्व बताए गए हैं या दिए गए। पहला, उपज विपणी एक नियंत्रित बाजार। पहला फायदा क्या है कि उपज जो विपणी है वो एक नियंत्रित बाजार, यह एक नियंत्रित बाजार। नियंत्रित बाजार का मतलब होता है कि इसमें सभी पर नियंत्रण किया जाता है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मूल्य हो, उस पर प्रयास किया जाता है कि अधिक से अधिक नियंत्रण किया जाए, ठीक ना। दूसरा फायदा ये होता है उपज विपणी से, मतलब इस संगठन से, इस संस्था से, दूसरा ये फायदा होता है कि धोखाधड़ी होने की संभावना बहुत ही कम होती है। दूसरा फायदा क्या है, धोखा धड़ी की संभावना कम होती है, कम होती, ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि नहीं होती है, क्योंकि धोखेबाज तो बहुत हर जगह है। इसलिए इस संगठन के होने से, इस संस्था के होने से, इसके कुछ रूल रेगुलेशन होने से धोखाधड़ी होने की संभावना कम होती है। अगला क्या है, अगला फायदा है साख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, साख सुविधाएं प्राप्त होती, मतलब कि इसमें जो व्यापारी होते हैं उनको आवश्यकता पड़ने पर, अभी इधर बताया कि वित्तीय सहायता प्रदान करता है, अर्थात उन्हें साख सुविधा प्राप्त होता है, अर्थात उनके पास कभी धन का अभाव होता है, ऐसी दशा में सस्ते दरों पर उन्हें ऋण भी मिल जाता है, तो इन्हें साख सुविधा प्रदान होती है। और क्या फायदा है इससे, इसके क्या महत्व और भी हैं, यह बाजार से संबंधित सूचनाएं प्रदान करता है, यह बाजार से संबंधित सूचनाएं प्रदान करता है, यह बाजार से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं उपज विपणी प्रदान करता है। और भी क्या फायदे इसके हैं और क्या महत्व है, कि यह मूल्यों में स्थिरता लाता है, क्या लाता है, यह मूल्यों में स्थिरता लाता, मतलब मूल्यों को स्थिर रखने का कार्य करता है कि ज्यादा उतार चढ़ाव इसमें न हो। अगला क्या है, व्यापारिक रीति रिवाजों का वह सम्मान करता है, यह उपज जो विपणी है व्यापार की जो भी रीति रिवाज कल्चर या संस्कृति हुए है तो उसका ये सम्मान करता है, यह व्यापारिक रीति रिवाज क्या क्या करता है, सम्मान करता है। और क्या करता है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये, यह कृषि तथा उद्योग धंधों का विकास करता है, और क्या है कि यह कृषि तथा उद्योग धंधों का क्या करता है, का विकास करता, ठीक है, यही इसके कुछ महत्व बताए गए। यहां पे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि उपज विपणी क्या है,
इसके महत्व बताइए। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि उपज विपणी क्या है, इसके कार्य बताइए। छोटे क्वेश्चन में पूछेगा तो उपज विपणी क्या है, या उपज विपणी के महत्व बताइए, या उपज विपणी के कार्य बताइए। लॉन्ग में कभी ऐसा भी हो सकता है कि उपज विपणी की परिभाषा दीजिए तथा इसके कार्य और महत्वों की विवेचना कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। जो भी लोग का सब्जेक्ट रही है अपना, इसी तरह कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा। और लास्ट में एक बार और बोलना चाहेंगे कि बाबू बहुत अच्छा वीडियो पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आप लोग अपने फ्रेंडों में थोड़ा वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी हमको भी थोड़ा मोटिवेशन आएगा और वीडियो बनाने का मन करेगा। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए।